देर रात कार्यक्रम दिखाने के बहाने ले जाकर युवती से किया बलात्कार और आरोपी गिरफ्तार है। जबलपुर, प्रदेश में बलात्कार की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही है। खबर जबलपुर जिले के चरगवाद थाना अंतर्गत डोंगर झांसी की है। कल एक 376 का मामला एक महिला के द्वारा कायम कराया गया है, जिसमें अनावेदक आरोपी संजय गौड़ को गिरफ्तार कर लिया गया है। जहां दीपावली के दिन पास के गांव में कार्यक्रम देखने के बहाने ले जाकर रास्ते में सुनसान जगह पर ले जाकर गांव के आरोपी संजय गौड़ ने 18 वर्षीय युवती के साथ दुष्कर्म किया। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी ने यह बात किसी से न बोलने की धमकी दी और कहा कि अगर किसी को यह बात बताई तो जान से मार दूंगा। मैं कल दिवाली का है, 10 बजे रात से लड़की गायब थी, तो लड़के को पकड़ा दूसरे दिन, उसको मारा पीटा, उसने बताया कि लड़की इधर है तो लड़की को लाए, फिर लड़के को पकड़ के थाने ले गए, रिपोर्ट रपाटी लिखाई, तो रिपोर्ट रपाटी लिखाते में पुलिस वालों ने टाइम लगा दिया। कितने बजे से बैठे थे? 10 बजे से बैठे थे थाने में, अभी फ्री हुए हैं। कुछ गलत काम भी? हाँ, गलत काम हुआ है। क्या नाम है लड़के का, कहाँ रहता है? लड़का डोंगा झांसी का है। क्या नाम है उसका? लड़के का नाम संजय। संजय? क्या नाम है? संजय। क्या करता है? किसान का लड़का है। इसके बाद युवती के परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी युवक संजय गोड को गिरफ्तार कर लिया है। चरगांव पुलिस के मुताबिक डोंगर झांसी में रहने वाली 18 साल की युवती के परिजन की शिकायत पर संजय गोड ने पिता ममोकुंदी गोड निवासी डोंगर झांसी के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज किया है। जबलपुर से सुनील सेन के साथ वीरेंद्र सिंह की रिपोर्ट। इस समाचार के प्रायोजक कृष्णा इंटरप्राइजेस सभी कंपनियों के टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कूलर, पंखे, मिक्सी आदि के विक्रेता। प्रोपराइटर गौरव शर्मा, पता शिव शांति गैस एजेंसी के सामने पनागढ़ जबलपुर। संपर्क करने के लिए डायल करें 7987832883।